अर्जुन ने 11वीं कक्षा में प्रवेश करते ही एक नए स्कूल में एडमिशन लिया। उसके पिता का ट्रांसफर एक जंगलों से घिरे हुए गांव में हो गया था, इसीलिए उसे उसी गांव के स्कूल में भर्ती होना पड़ा। वो अमीर था और उस स्कूल में एक और अमीर लड़की थी। उस लड़की का नाम पल्लवी था। पल्लवी ने अर्जुन को देखते ही कहा, ये लड़का बहुत हैंडसम है, कहां से आया ये नया लड़का? पल्लवी की सहेली ने कहा, इसके पापा आए हैं यहाँ सरकारी ऑफिस में। सरकारी ऑफिस? इसका मतलब ये लड़का हैंडसम होने के साथ साथ अमीर भी है। वाह वाह वाह, क्या बात है, मुझे तो इसी लड़के को फंसाना है। हाँ हाँ, इस स्कूल में तुझ जैसी सुंदर तो कोई और है ही नहीं पल्लवी, अर्जुन जरूर तेरे प्यार में पागल हो जाएगा। लेकिन ये सब अर्जुन को नहीं जानते थे। अर्जुन का दिल बहुत साफ था, उसे असली प्यार की अहमियत पता थी। अर्जुन स्कूल में आया और क्लास के अंदर घुसते ही पल्लवी ने उससे कहा, अर्जुन तुम मेरे साथ बैठ जाओ। क्यों, मैं तुम्हारे साथ क्यों बैठ जाऊं? तुम्हारे दोस्त नहीं है क्या? अर्जुन ने पल्लवी को साफ साफ मना कर दिया। अर्जुन अकेला एक डेस्क पर बैठ गया। कुछ देर में निशा क्लास के अंदर आई। उसका दाहिना पैर टेढ़ा था, इसीलिए उसे चलने में दिक्कत होती थी। वो लंगड़ाती हुई चलती थी, इसीलिए सभी उसे लंगड़ी निशा कहकर पुकारते थे, और ये नाम पल्लवी ने ही रखा था। आज निशा की क्लास में घुसते ही पल्लवी ने चिल्लाकर कहा, अरे ये देखो आ गई लंगड़ी निशा, सबका मूड खराब करने। लंगड़ी निशा। सभी हंसने लगे, लेकिन अर्जुन को बहुत बुरा लगा। तुम लोग मजाक क्यों उड़ा रहे हो, बेचारी परेशान है, छे लानत है तुम लोगों पर। अर्जुन की बात सुनकर सब लोग चुप हो गए। अर्जुन ने निशा से कहा, निशा तुम मेरे साथ बैठ जाओ, बैठोगी ना मेरे साथ? हाँ अर्जुन, क्यों नहीं बैठूंगी। निशा अर्जुन के साथ एक ही डेस्क पर बैठ गई, और ये देखकर पल्लवी जलने लगी। ये निशा की बच्ची ने तो आज हद कर दी, आते ही अर्जुन के पास बैठ गई, इसे तो मजा चखाना होगा। एक के बाद एक क्लास खत्म होती गई और अर्जुन निशा की दोस्ती पक्की होती गई। पता है अर्जुन, मुझे आज तक किसी ने अपने साथ नहीं बिठाया, मुझसे किसी ने दोस्ती नहीं की। लेकिन क्यों निशा, तुम इतनी सुंदर तो हो, पढ़ाई में भी बहुत अच्छी हो। लेकिन मैं लंगड़ी हूँ ना। ये शब्द मत यूज करो निशा, आज से तुम मेरी दोस्त हो, आज से हम एक साथ बैठेंगे। ये सुनकर निशा को अर्जुन से प्यार हो गया। अर्जुन भी निशा से प्यार करने लगा। स्कूल के बाद अर्जुन ने कहा, निशा मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? नहीं नहीं अर्जुन, मैं चली जाऊंगी। ठीक है निशा, तो फिर कल मिलते हैं। अर्जुन अपने घर चला गया और निशा लंगड़ाती हुई घर की ओर चलने लगी। तभी पल्लवी अपनी दो सहेलियों को लेकर उसके सामने आ गई। अरे 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 रुक जा लंगड़ी निशा, घर जाने की इतनी भी जल्दी क्या है? निशा डर गई। क्या हुआ, तुमने मेरा रास्ता क्यों रोका? अच्छा तुझे समझ में नहीं आ रहा है? ना समझ होने का नाटक कर रही है ये लंगड़ी। सुन लंगड़ी निशा, मैं तुझे साफ साफ कहती हूँ, अर्जुन सिर्फ मेरा है, कल से उसके पास बैठना मत, नहीं तो मार मार के तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगी। ये ले एक डेमो देती हूँ। पल्लवी ने जोर से निशा को एक मुक्का मारा। निशा एक पैर पर ही खड़ी होती थी, इसीलिए वो आसानी से गिर पड़ी। आ अरे बाप रे, लगी क्या? पल्लवी हम भी दो तीन लगा लें? हाँ हाँ लगा लो। तीनों ने मिलकर निशा को खूब मारा। निशा को जगह जगह पर चोट लगी और उसे उसी अवस्था में छोड़कर वो तीनों चली गई। अगले दिन अर्जुन स्कूल आकर डेस्क पर बैठ गया और निशा का इंतजार करने लगा। निशा आई। निशा आ जाओ मेरे साथ बैठ जाओ। नहीं अर्जुन, मैं कहीं और बैठ जाती हूँ। लेकिन क्यों, हम दोस्त हैं ना। ये सुनते ही निशा रो पड़ी और उसने सब कुछ बता दिया। अर्जुन पल्लवी पर बहुत गुस्सा हो गया और पल्लवी से बोला, छी पल्लवी छी, तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत नहीं है क्या? अर्जुन मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुमने इस लंगड़ी लड़की के अंदर क्या देख लिया, इसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? दिल पल्लवी दिल, निशा के अंदर दिल है जो तुम्हारे अंदर नहीं है, आगे से ऐसा मत करना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अर्जुन निशा को लेकर डॉक्टर के पास चला गया। निशा को चोट लगी थी। इधर पल्लवी की सहेलियों ने पल्लवी से कहा, क्या पल्लवी ये अर्जुन तो तुझे भाव ही नहीं दे रहा है। छोड़ इसे पल्लवी, तुझे तो कोई भी लड़का मिल जाएगा। लेकिन पल्लवी इतनी आसानी से छोड़ने वालों में से नहीं थी, उसने जिद पकड़ ली थी। अरे उस प्यार में मजा ही क्या जो आसानी से मिल जाए, प्यार तो इसे कहते हैं। मैं निशा से अर्जुन को छीन लूंगी तब आएगा मजा। पल्लवी को अब किसी भी हालत में अर्जुन चाहिए था। उधर अर्जुन और निशा के बीच में प्यार बढ़ रहा था, दोनों और करीब आ रहे थे।
एक दिन अर्जुन ने निशा को प्रपोज कर दिया। निशा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? हाँ अर्जुन, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो फिर ये लो निशा, तुम्हारे लिए लाल गुलाब लाया हूँ, इसे लो और मेरा प्यार स्वीकार करो। दूर से पल्लवी ने ये देखा और वो गुस्से से गुलाब से भी ज्यादा लाल हो गई। इस निशा का कुछ करना पड़ेगा। अर्जुन के जाने के बाद पल्लवी को वो मौका मिल गया। वो अपनी दोनों सहेलियों को लेकर फिर से निशा के सामने आ गई और उसके हाथ से गुलाब छीन लिया। अरे अरे, ये क्या किया तूने पल्लवी, मुझे गुलाब वापस कर दे, ये मेरे और अर्जुन के प्यार की निशानी है। तुम दोनों के बीच में प्यार हो ही नहीं सकता। एक लंगड़ी अपाहिज लड़की से कोई प्यार कर सकता है क्या? ये बोलकर पल्लवी ने गुलाब को जमीन पर फेंक दिया और उसे अपने पैर से कुचल दिया और फिर वो तीनों चली गई। निशा रो पड़ी। ये क्या किया पल्लवी, ये क्या हो गया, हमारे प्यार की निशानी ये गुलाब खराब हो गया। अगले दिन निशा का बर्थडे था। अर्जुन ने बहुत सोचकर निशा के लिए गिफ्ट खरीदा। निशा स्कूल आई और अर्जुन ने कहा, हैप्पी बर्थडे निशा। थैंक यू अर्जुन, मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट खरीदा है, ये लो। अर्जुन ने निशा को एक क्रच दिया। ये क्या है अर्जुन? इसे क्रच कहते हैं निशा, इससे तुम्हें चलने में आसानी होगी। अरे वाह, तुम बहुत अच्छे हो अर्जुन, मेरा कितना ख्याल रखते हो। निशा क्रच के सहारे ठीक से चलने लगी, लेकिन ये बात पल्लवी को कैसे हजम होती। रास्ते में वो फिर से निशा के पास आई और उसका क्रच छीन लिया। निशा, अब बहुत ज्यादा हो रहा है, सुन, मैं अर्जुन से प्यार करती हूँ, अर्जुन सिर्फ मेरा है, लेकिन तू अर्जुन को मुझसे छीन रही है, ये ले। उसी क्रच से तीनों ने मिलकर निशा को बहुत मारा, उसके पेट पर लात मारा, सर फोड़ दिया। रास्ते के लोगों ने निशा को अस्पताल में भर्ती करा दिया। अर्जुन दौड़ते हुए अस्पताल आया। निशा ने उसे सब कुछ बताया। ये सब पल्लवी ने किया है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, अब बस बहुत हो गया। निशा, तुम चिंता मत करो, मेरे पापा अस्पताल का खर्चा उठा लेंगे और अब तुम मेरे साथ मेरे घर पर ही रहोगी। अरे वाह, सीधा घर ले जाओगे इस लंगड़ी को? हाँ ले जाऊंगा, और तुम्हें जेल भी भेज दूंगा, मैं अभी पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। अर्जुन पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकल गया और पल्लवी डर गई। अर्जुन को रोकना होगा, मेरे पास एक आइडिया है। पल्लवी ने निशा को उठा लिया, एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की छत पर लेकर चली गई और वहाँ से उसने अर्जुन को कॉल लगाया। अर्जुन, अगर अपनी गर्लफ्रेंड को बचाना चाहते हो तो पुलिस के पास मत जाओ, निशा हमारे कब्जे में है, हम उसे मार देंगे। नहीं, उसे कुछ मत करना। तो फिर तुम यहाँ चले आओ। पल्लवी ने अर्जुन को पता बताया और अर्जुन दौड़ते हुए उस बिल्डिंग की छत पर चला गया। उसने देखा निशा के हाथ पैर बांध कर रखे गए हैं। निशा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, निशा तुम्हें कुछ नहीं होगा। और तभी पल्लवी ने अर्जुन के सर के पीछे डंडे से मारा। अर्जुन गिर पड़ा। मैं तुम दोनों को मार डालूंगी। अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो किसी के भी नहीं हो सकते, मैं तुम्हें किसी का नहीं होने दूंगी। ये बोलकर पल्लवी मारने के लिए आगे बढ़ी रही थी कि तभी एक पत्थर से उसका पैर टकरा गया और वो छत से गिर पड़ी, और छत से गिरते ही उसकी मृत्यु हो गई। उसकी दोनों सहेलियां भाग गई, पुलिस वहां आ गई और सब कुछ सुनकर पल्लवी की दोनों सहेलियों को अरेस्ट कर लिया। पल्लवी की डेड बॉडी को अस्पताल ले जाया गया और डॉक्टर ने ऑपरेशन करके पल्लवी के दोनों पैर निशा के शरीर पर लगा दिए और निशा चलने लगी। निशा और लंगड़ी नहीं रही, और इसी तरह अर्जुन और निशा एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, आप सभी इस वीडियो पर अपनी माँ की लंबी आयु के लिए कमेंट में आई लव माँ जरूर लिखें। दुर्गा माँ जरूर आपकी इच्छा पूरी करेंगी। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। किसी के लिए क्रिसमस खुशियों का त्योहार है, तो यही क्रिसमस किसी की जिंदगी में श्राप बनकर आता है। ऐसी ही कहानी है सुलेखा की। क्रिसमस के ही दिन सुलेखा अपने पति के साथ क्रिसमस के मेले में गई हुई थी। उसके पेट में उसका होने वाला बच्चा था और मेले में बहुत ज्यादा भीड़ थी। सुलेखा अपने पति सुरेश के साथ दुकानों में घूम रही थी और चीजें पसंद कर रही थी। ये देखिए जी, हमारे बच्चे होंगे तो हम उन्हें ये ड्रेस पहनाएंगे, ये ले लूं? हाँ हाँ ले लो, जो मर्जी ले लो। लेकिन सुरेश के मन में तो ये चल रहा था, अरे ले लो अभी, कुछ देर बाद तो जिंदा भी नहीं बचूंगी। सुरेश ने पहले से कुछ प्लान करके रखा था और सब कुछ प्लान के मुताबिक ही हो रहा था। मेले से निकलकर वो दोनों
एक सुनसान सी सड़क पर आए। सुलेखा को अजीब लगा। क्या हुआ जी, इस रास्ते पर क्यों आए हैं हम? यहाँ तो आसपास कोई नहीं है, सुरेश ने कहा। अरे घबराओ मत सुलेखा, ये रास्ता घर जाने का शॉर्टकट है। लेकिन हम तो यहाँ से कभी नहीं गए। तो क्या हुआ, आज जाएंगे ना, चिंता मत करो, मैं तुम्हें बहुत जल्दी घर पहुँचा दूंगा। सुलेखा को लेकर सुरेश आगे बढ़ने लगा और तभी वहाँ एक ट्रक आकर रुक गया। उसमें से एक आदमी बाहर निकला। माफ कीजिए सर, देर हो गई। इसका पैसा काटूंगा मैं, कब से इंतजार कर रहा हूँ। ये कौन है जी? यमदूत है। सुरेश हंसने लगा था। सुलेखा कुछ समझ पाती उससे पहले ट्रक ड्राइवर ने एक डंडा निकाला और सुलेखा के सर पर जोर से मारा। सुलेखा जमीन पर गिर पड़ी और उसके सर से खून निकलने लगा। सुलेखा की आंखें बंद हो गई थी। काम हो गया सर जी। बहुत अच्छा। अब जाकर इस चुड़ैल से मुझे छुटकारा मिले। अब इसे ले जाओ और शहर से दूर कहीं दफना कराओ और पैसा ले लो। उस ट्रक ड्राइवर ने सुलेखा की बॉडी को ट्रक के पीछे उठा लिया और ट्रक लेकर वहाँ से चला गया। सुरेश ने खुश होकर अपनी गर्लफ्रेंड पूनम को कॉल किया। हेलो पूनम, काम हो गया, अब हम दोनों आराम से रह सकते हैं डार्लिंग। मुझे पता था कि तुम उसे अपनी जिंदगी से हटा ही दोगे। मैं बहुत खुश हूँ सुरेश, I love you too जान, बहुत जल्द मिलते हैं। सुरेश ने फोन रख दिया और सोचा कि सुलेखा अब कभी वापस नहीं आएगी। लेकिन मनुष्य का जन्म और मृत्यु इंसानों के हाथ थोड़ी है, वो तो ऊपर वाले के हाथों में है। सुलेखा का अभी जाने का टाइम नहीं हुआ था। ट्रक बहुत तेज चल रहा था और अचानक से सामने एक गड्ढा आ गया। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगाया और उसी के कारण सुलेखा ट्रक से नीचे गिर गई। ड्राइवर को ये बात पता ही नहीं चली। वो ट्रक लेकर चला गया और सुलेखा रास्ते पर ही पड़ी रही। रात का वक्त था इसीलिए रास्ता सुनसान था, कोई वहाँ से जा नहीं रहा था। पूरे 3 घंटे बाद सुलेखा को होश आया। सूरज निकलने ही वाला था और सुबह होने वाली थी, लेकिन सुलेखा की जिंदगी में अभी अंधेरा ही कायम था। दिमाग पर चोट लगने के कारण वो सब कुछ भूल गई थी। वो फुटपाथ पर आकर बैठ गई और सब कुछ याद करने की कोशिश करने लगी। मैं कहाँ हूँ, कौन हूँ मैं यहाँ क्या करने आई थी? पूरी रात क्रिसमस पार्टी करने के बाद यंग लड़के और लड़कियाँ अभी घर लौट रहे थे। उनमें से 2 लोगों ने सुलेखा को देखा। अरे ये देख वर्षा, वहाँ वो औरत अकेली बैठी हुई है, लगता है उन्हें कुछ मदद चाहिए। आप यहाँ क्या कर रही हो? मुझे नहीं पता। आपका नाम क्या है? मेरा नाम क्या है, मैं तो भूल गई। आप बताओ ना मेरा नाम क्या है। अरे यार लगता है पागल औरत है, ये लीजिए कुछ पैसे, खाना खा लेना। लड़के ने सुलेखा को पैसा दिया और वो दोनों वहाँ से चले गए। सुलेखा खाना खरीद कर खाने लगी, उसे बहुत भूख लगी थी। उधर वो ड्राइवर ने जब देखा कि पीछे कोई लाश नहीं है, तब वो घबरा गया। अरे ये लाश कहाँ गया, कहीं गिर गई होगी, लेकिन ये बात मालिक को नहीं बता सकते। ड्राइवर ने ये बोल के सुरेश से पैसा लिया था कि उसने सुलेखा की लाश को दफन कर दिया है और सुरेश भी निश्चिंत हो गया। उधर सुलेखा रास्ते पर भीख मांगने लगी, उसे बस एक शब्द याद था और वो है क्रिसमस। सुलेखा को क्रिसमस का त्योहार बहुत अच्छा लगता था। उसे लगता था कि सांता कभी खुद आकर उसे गिफ्ट देंगे और अभी वो सब कुछ भूल गई। वो बस बैठकर भीख मांगने लगी। भगवान के नाम पर कुछ दे दो साहब, भगवान तुम्हारा भला करेगा। उधर उसके पति रमेश ने अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर ली और अपनी नई बीवी के साथ हनीमून मनाने चला गया। सुरेश कुछ करता नहीं था, लेकिन वो अमीर बहुत था और वो सारे पैसे सुलेखा के बाप के थे। सुलेखा का बाप अमीर था और इसी वजह से सुरेश ने सुलेखा से शादी की थी। सुरेश बस अपने ससुर के मरने का इंतजार कर रहा था। इधर सुलेखा प्रेग्नेंट हुई और उधर उसके पिता का देहांत हो गया और फिर सुरेश ने सुलेखा को मारने का प्लान बना लिया। सुलेखा के जाने के बाद
उसकी सारी प्रॉपर्टी सुरेश की हो गई और पूनम ने भी इसी वजह से सुरेश से शादी की थी। लेकिन सुरेश को ये पता ही नहीं था कि सुलेखा अभी जिंदा है। वो सुलेखा के पैसों पर ऐश करता रहा। इधर सुलेखा बिचारी सब कुछ भूलकर भीख मांगने लगी। ऐसे ही रास्ते पर बैठकर भीख मांगते हुए उसकी दोस्ती एक कुत्ते से हो गई। जब सुलेखा को कोई भाव नहीं देता था तब वो कुत्ता आया सुलेखा के पास अपने हिस्से की रोटी लेकर। एक तू ही मेरा दोस्त है कालू, और कोई मुझसे प्यार नहीं करता। बदले में कालू ने दो बार भोग दिया। इसी तरह समय बीतने लगा और कई महीने बीत गए। सुलेखा की डिलीवरी का वक्त आ गया और एक रात उसकी प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। आ, आ, बहुत दर्द हो रहा है। ठंड का वक्त था और आसपास इतनी रात को कोई नहीं था। कालू इधर उधर दौड़ने लगा और बोरे का बंदोबस्त करके उसने बोरे से सुलेखा को ढक दिया और इस तरह से सुलेखा ने अपने बेटे को जन्म दिया। एक कुत्ते ने सुलेखा की डिलीवरी करवाई। मेरा लल्ला, मेरा बेटा, मेरा प्यारा बेटा। कालू भी सुलेखा के बेटे से बहुत प्यार करने लगा। दोनों एक साथ खेलने लगे। सुलेखा भीख मांगने लगी और अपने बेटे और कालू को खिलाने लगी और इसी तरह फिर से क्रिसमस आ गया। और उधर पूनम सुरेश से जिद करने लगी। सुरेश, मुझे थोड़ी दूर ले चलो ना, मैंने सुना है एक बहुत बड़ा क्रिसमस का मेला चल रहा है। अरे हाँ हाँ, चलो ना, किसने रोका है। सुरेश पूनम को लेकर दूर एक मेले में चला आया और उसी मेले में सुलेखा अपने बच्चे को गोद में लेकर भीख मांग रही थी। सुरेश ने अचानक से सुलेखा को देखा और चौंक गया। अरे ये तो मर गई थी, ये यहाँ क्या कर रही है। तुमने अच्छे से मारा तो था ना। रुक जाओ, मैं उस ड्राइवर को कॉल करता हूँ। सुरेश ने ड्राइवर को कॉल लगाया और थोड़ी सी बातचीत और धमकाने के बाद ही ड्राइवर ने डर के मारे सच बता दिया। सुरेश को यकीन हो गया कि ये सुलेखा ही है। पूनम, ये सुलेखा ही है, मुझे आज इसे मारना ही होगा। पूनम भी सुरेश का साथ देने के लिए राजी हो गई। लेकिन एक क्रिसमस ने सुलेखा से सब कुछ छीना था। इस साल का क्रिसमस तो सुलेखा का ही होने वाला था। मेले के बाद सब कुछ सुनसान हो गया और सुरेश ने चुपके से सुलेखा के सर पर डंडा मार दिया। लेकिन इसमें सुलेखा का ही फायदा हुआ। सुलेखा दर्द के मारे गिर तो गई, लेकिन उसे सब कुछ याद आ गया। सुरेश और मारता, इससे पहले कालू वहाँ आ गया और उसने सुरेश और पूनम पर हमला कर दिया। बचाओ, बचाओ! सुलेखा को सब कुछ याद आ गया था। उसने कहा, बहुत अच्छा हुआ, तुम दोनों के साथ तो यही होना चाहिए। अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। कालू ने उन दोनों को कहीं का नहीं छोड़ा। सुलेखा ने तुरंत पुलिस स्टेशन जाकर सुरेश और पूनम के खिलाफ केस कर दिया और दोनों को जेल हो गई और सुलेखा को सब कुछ वापस मिल गया। वो अपने घर लौट आई। यही उसके लिए क्रिसमस का सबसे बड़ा गिफ्ट था। और उसके बाद वो अपने बेटे और कालू के साथ खुशी खुशी रहने लगी। दोस्तों, आप सभी इस वीडियो पर अपनी माँ की लंबी आयु के लिए कमेंट में आई लव माँ जरूर लिखें। दुर्गा माँ जरूर आपकी इच्छा पूरी करेंगी। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।